हेलो दोस्तों, अगर आपके भी घर पे या ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके अंदर अगर ये प्रॉब्लम आ रही है ब्लर वाली, इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सही कर सकते हो, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप लोगों को क्या करना होगा, इस वीडियो को बिना स्किप के देखना है, जिससे समझ में आएगा कि इस ब्लर वाली प्रॉब्लम को आप कैसे सही कर सकते हो। अगर ये ब्लर वाली प्रॉब्लम किस कारण आती है, ब्लर वाली प्रॉब्लम है मेन आती है BNC के कारण, या पावर सप्लाई के वोल्टेज डाउन होने के वजह से, और बहुत सी जो यहाँ पे कैमरे के सामने लेंस के जाले आने की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम का आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। कैमरास के इस रिकॉर्ड के अंदर हम देखने वाले हैं जहाँ पे नंबर प्लेट लगी हुई है दोस्तों, वहाँ पे देखिए ध्यान से, आप लोगों को गलत टाइप का दिखाई दे रहा है। एक बार मैं आप लोगों को इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे जो ब्लर है वो कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए यहाँ पर जो नंबर प्लेट है सेम उसका ही यहाँ पर ऑपोजिट कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। टैंक के पास में देखेंगे जूम करके, ये भी देखिए कुछ यहाँ पर टैंक ही टैंक बने हुए से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की जूमिंग की वजह से हमें यह जो ब्लर टाइप दिखाई देता है, यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव करता है कैमरेज को, जो प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे हम ओम के पास में देखते हैं, दजा के पास में, तो यहाँ पे एक और हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है इसका। तो इस प्रॉब्लम को आज की इस वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं, बस वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। BNC जो कनेक्टर, इसे वायर के साथ में कैसे कनेक्ट करें, थोड़ा सा यही आप लोगों को सीखना है। उसकी वजह से ही आप लोगों की जो ये ब्लर वाली जो प्रॉब्लम है वो बाद में नहीं आएगी। थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना होता है, इस वायर को यहाँ से कुछ इस तरीके से छीलना है, इस तरीके से। जैसे मैंने ये साइड से कट लगा दिया, अब इस तरीके से ये हो गया एकदम क्लीन, ये देख सकते हो इस तरीके से। अब क्या करना होगा आप लोगों को, ये जो वायर है दोनों इनको साथ में है, तो इन्हें थोड़ा सा, ये रेड वाला है इसको आप इतना कट कर लीजिए, हाफ कर लीजिए, और इसको इतना ही रखना है ब्लैक वाले को। तो ब्लैक वाले को यहाँ से छीलना है, और रेड वाले को आप यहाँ से छीलोगे। अब ये इसको हाफ, इसको फुल किस लिए रखा ये भी बता देता हूँ। जो हमारा ये वायर है ये वाला, तो इस वायर को भी छीन लेना है। अब यहाँ से इसको छीलने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिए। इस तरीके से करने से क्या होगा, जाली है वो सेफ रहेगी थोड़ी सी। तो मैं दिखा देता हूँ, इतना छीलने के बाद में इसे भी इतना हाफ कट कर देना, इतना हाफ हाफ कर दिया। हाफ कट के बाद में इसे यहाँ से इस तरीके से छीन लेना है। अब इतना इसको हाफ और इसको फुल किस लिए किया ये देखिए, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये इतना ये हाफ है, इसको हाफ से मिला दीजिए इस तरीके। ये दोनों कनेक्ट हो जाने के बाद में ये वायर भी अच्छी तरीके से वायर कनेक्ट होता है, कुछ इस तरीके से इस कनेक्टर को बनाना है। हम इस वायर को अगर आप लोगों ने इस तरीके से मोड़ दिया तो यहाँ से ये डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है ब्लर वाली। तो हमें इसे इस तरीके से ही रखना है, इस तरीके से। यहाँ पे आप सोल्डिंग भी कर सकते हो, सबसे बढ़िया काम है। अगर सोल्डिंग नहीं है तो इसे थोड़ा टाइट इसके साथ में बल लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दिया इसको इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, अब टेपिंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और एकदम ये मजबूत काम हो जाएगा। अब आप लोग इस BMC को लगाओगे ना तो आप लोगों की ये ब्लर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सप्लाई वाली आप लोगों को मैं बता, तो इस पावर सप्लाई के वीक हो जाने की वजह से इस तरीके की ये लाइनिंग वाली और ये ब्लर वाली प्रॉब्लम आती है। तो हम इस मल्टीमीटर से चेक करने वाले, मल्टीमीटर को आप लोगों को यहाँ 200 पे कर लेना है। 200 पे करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे रख देता हूँ आप लोगों के सामने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही मैं इस माइनस वाले के साथ में इसे कनेक्ट करता हूँ और प्लस वाले के साथ में इसे कनेक्ट करता हूँ, तो आप लोग देखिए 13 वोल्ट हमें कंप्लीट मिल रहे हैं। इसके मतलब पावर सप्लाई में हमारी जो है प्रॉब्लम आने वाली थी वो नहीं आएगी। अगर आप लोगों के यहाँ पे 11 वोल्ट हो रहे हैं पावर सप्लाई से, तो 100% दोस्तों आप लोगों की ये ब्लर वाली प्रॉब्लम आएगी या लाइनिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों को या तो सप्लाई के अंदर जो कैपेसिटर या कुछ भी वीक हुआ है तो आप लोगों को वो सही करवाना होगा, उसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो सिस्टम को ऑन करते हैं और ये ब्लर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। BNC कनेक्टर सही तरीके से बनाने से दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारी जो कैमरेज की जो क्वालिटी है वो एकदम क्लीन हो गई है। आप लोग देख सकते हो, तो नंबर प्लेट के पास में जो ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा था वो हमें अब नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो घर के अंदर या आपके ऑफिस पे कैमरे लगे हैं उन्हें आप सही कर सकते हो। यहाँ पे धजा के पास में भी डबल आप लोगों को इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। टैंक के पास में देखते हैं तो यहाँ पर भी अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हो CCTV कैमराज की ब्लर की प्रॉब्लम। तो आई हो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।